दोस्तों आप लोग कैसे हो। मैं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेके है। बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है, उसको लेके मैं आपको लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट बताने वाला हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है आपको कब तक जारी हो जाएगा, कब से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो मैं आपको उस ऑफिशियल अपडेट को दिखाता हूँ जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एडमिट कार्ड को लेके है कि आपका एडमिट कार्ड कब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। वहीं बात करें जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, वो पहले तो आपका फरवरी 23 में स्टार्ट होने वाला था, बाद में से पोस्टपोन कर दिया गया। बाद में आप बताएं लेटेस्ट अपडेट जो जारी की गई है इसके एडमिट कार्ड को लेकर मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2022 रिलीजिंग डेट, आपको ये ऑफिशियल अपडेट जारी की गई है रिलीजिंग डेट को लेके कि कब से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। आप देख सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से ये अपडेट जारी की गई है। आप देख सकते हो रेलवे जो ग्रुप डी एग्ज़ाम था वो आपका पोस्टपोन हुआ था 23 फरवरी 2022 में। अब बात करें कब से कब तक आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो भी बताया जा रहा है। आप देख सकते हो जो ये आपका एग्ज़ाम है ये आपका जून 2022 में आपका कंडक्ट होगा। आप देख सकते हो ये कंफर्म अपडेट है कि जून 2022 में आपका एग्ज़ाम कंफर्मली कंडक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो और आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब मिलेगा, तो आप यहाँ एडमिट कार्ड को लेके देख सकते हो जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है वो आपका जून 2022 में 10 से 15 दिन पहले मिलेगा। और आपको एक लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट और बता देता हूँ, जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके दो एग्ज़ाम थे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड का, आपको खाली लेवल फर्स्ट का ही एग्ज़ाम देना है। खाली आप अगर CBT फर्स्ट क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, आपको जॉब आपकी मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने CBT 2 एग्ज़ाम जो है रेलवे ग्रुप डी से वो हटा दिया गया है और आपका सिर्फ CBT 1 एग्ज़ाम के बेस पे ही आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ये मेरी तरह से आपके लेटेस्ट अपडेट है। अगर ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।